सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? दो दिन हो गए। दो दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ दे, ए तुम चलो, ए बगा इकड़े बगा जाओ। अक्षय कुमार की किस अपकमिंग फिल्म को कहा जा रहा है बॉलीवुड का एवेंजर्स? अक्षय कुमार की इस अपकमिंग फिल्म में कौन से एक्टर दिखेंगे विलन के रोल में? अक्षय की इस फिल्म से किस एक्टर को किया गया है ड्रॉप? आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर मैं प्रियंका हाजिर हूँ। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहाँ रोज आपको मिलता है नई और लेटेस्ट फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स का डोज। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक, सूर्यवंशी के बारे में। रोहित शेट्टी द्वारा डायरेक्टेड सूर्यवंशी फिल्म काफी सारे रीजंस की वजह से लाइमलाइट में है। अब जब अक्षय कुमार इस फिल्म में है तब तो ऐसे ही लाइमलाइट में होना जरूरी है, पर इसके अलावा भी काफी और रीजंस है। आज उनमें से कुछ रीजंस हम आपको बताते हैं। सूर्यवंशी फिल्म को इंडिया का एवेंजर्स भी कहा जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह एवेंजर्स में बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, उसी तरह इस फिल्म में भी बॉलीवुड के तीन सबसे बेहतरीन एक्शन हीरोज हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह। तीनों ही एक से एक बढ़कर। हमने तीनों को अलग अलग तो धमाका करते हुए देखा है, पर सूर्यवंशी फिल्म में पहली बार ये तीनों एक साथ नजर आएंगे। इसका मतलब धमाका नहीं, डबल धमाका भी नहीं, बल्कि ट्रिपल धमाका होने वाला है। इस वजह से भी सूर्यवंशी लाइमलाइट में है। इस फिल्म का ट्रेलर जिस दिन रिलीज हुआ उसके एक हफ्ते के अंदर ही इस ट्रेलर को 43 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया। अगर आप अभी की बात करें तो 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं इस ट्रेलर पर। जी हाँ, इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि सूर्यवंशी को 2021 की सबसे बड़ी फिल्मों में से माना जा रहा है। इस फिल्म में अक्षय के अलावा भी काफी बेहतरीन एक्ट्रेस शामिल हैं। सूर्यवंशी फिल्म में काफी सालों बाद गुलशन ग्रोवर मेन विलन के रोल में दिखेंगे। जी हाँ, एक समय में जहाँ कोई भी फिल्म बिना गुलशन ग्रोवर के नहीं बनती थी, आजकल गुलशन ग्रोवर काफी कम फिल्मों में नजर आ रहे थे, पर अब लगता है कि शायद इस फिल्म के साथ एक बार फिर उनके करियर को बूस्ट मिलेगा। इस फिल्म की कास्ट इतनी अच्छी है कि जिस एक्ट्रेस को इस फिल्म से ड्रॉप किया गया है वे अपनी एक्टिंग टाइमिंग के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं नीना गुप्ता की। जी हाँ, नीना गुप्ता अक्षय कुमार की माँ का रोल निभा रही थी, पर तीन दिन शूटिंग होने के बाद जब उनके रोल की फिल्म के साथ टाइमिंग नहीं बैठ रही थी तो उनके रोल को ही ड्रॉप कर दिया गया, जिसकी वजह से नीना गुप्ता इस फिल्म में अब नजर नहीं आएंगी। आज इस वीडियो में तो हमने सिर्फ कुछ ही कारणों के बारे में बताया है, क्योंकि यह फिल्म इतनी ट्रेंडिंग पर है, आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रिप्ट रिटन बाय अभिनव।